किसान भैया, अगर आपकी खेत में भी जो है धान की बालियां निकल चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये खेत में निकल गया है, तो आपके जो है एक मन में अगर आपको कुछ स्प्रे करना है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा। बहुत से किसानों या फिर वैज्ञानिकों से आपने सुना भी होगा कि बालियां निकलने के बाद आपको जो है धान में स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो क्या वाकई बालियाँ निकलने के बाद हमारी धान की खेत में स्प्रे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप जो है पूरा स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बशर्ते उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन ये होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप धान देख रहे हैं, ठीक है जी, ये जो धान है इसमें अभी इनकी जो है परागण चल रही है। परागण चलते समय इसको किसी प्रकार का कोई स्प्रे, कोई डिस्टर्ब हमको नहीं करना रहता है। हम इसमें स्प्रे कब कर सकते हैं, डिस्टर्ब कब कर सकते हैं, उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ आज। जैसे कि आप एक बालियाँ देख रहे हैं, ये झुक गया है, तो मतलब इनकी परागण क्रिया ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से झुक गया है, मतलब कि दूध बन रहा है, वजन आ रहा है, तो झुक गया है। तो आप इस अवस्था में बिल्कुल स्प्रे करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जो इस अवस्था में है, जैसे कि आप देखें पूरा खड़े है बाली, बाली जब पूरी खड़ी है, तो आपको उस अवस्था में स्प्रे नहीं करना है। अब आप जो है मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई अब पूरी बालियाँ तो एक साथ झुकेगी नहीं, पूरी बालियाँ तो एक साथ भरेगी नहीं, पूरा तो एक साथ निकलेगा नहीं, उस अवस्था में हम लोग कैसे करें? मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी इसमें बालियां निकलना चालू हुआ है, तो अभी ये सेंसिटिव है, अभी इसमें हमको स्प्रे नहीं करना है। लेकिन ऐसे कब होगा, जैसे कि लगभग आपके 70-80% बालियां ऐसे हो जाएं, जैसे कि इसको देखेंगे आप, इसमें दूध बनना चालू हो चुका है ये, तो इस तरीके से अगर आपकी बालियां झुकना प्रारंभ हो जाए, जब आप पूरा खेत में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि 60-70-80% बालियां जो हैं झुकना चालू हो गया है, तो उस अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हैं। संभवतः आप स्प्रे क्यों करेंगे, एक तो गंधीबग कीट का प्रकोप आपके धान में दिख रहा होगा, छोटे छोटे कीट जो गंधीबग करते हैं उसका लिए आप नियंत्रण करने के लिए करेंगे, या तो आपके खेत में भूरा माहो दिखेगा तब नियंत्रण के लिए स्प्रे करेंगे। अगर आपके खेत में सूखी बालियाँ दिख रही हैं, मतलब कि आपकी बालियां जो है सूखी निकल चुकी हैं या सूखी सूखी दिख रही हैं, उस अवस्था में तो तना छेदक का स्प्रे करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप उसको नियंत्रण कर ही नहीं पाएंगे, और जब तक वो मरेगा तब तक वो अपना काम कर चुका होगा। तो बाली निकलने के बाद आपको सिर्फ दो स्प्रे करना है चाहिए, दो चीज़ के लिए, एक तो आपको भूरा माहो, दूसरा गंधीबग, या फिर तीसरा कोई फंगीसाइड। ये तीनों में से किसी का भी स्प्रे करते हैं तो आपको कर लीजिए, और उसके बाद आप बाकी के लिए ना ही करें तो बेटर है।